हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कहानी लाई हूँ, तो चलो जानते हैं। यदि बिच्छू को ऐसा करते देखे तो समझो समृद्धि गई। शकुन शास्त्र के अनुसार शकुन शास्त्र में कई तरह के शकुन और अपशुकन के बारे में बताया जाता है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई होती है यह कोई नहीं जानता। विश्वास करने वाले विश्वास करते हैं और जो नहीं करते वे इसे अंधविश्वास मानते हैं। आओ जानते हैं ऐसी ही एक मान्यता बिच्छू के बारे में। बिच्छू से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। बिच्छू की भी कई तरह की प्रजातियां होती है। बिच्छू के काटने पर दर्द होता है। कुछ बिच्छू ऐसे होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। कहते हैं कि सपने में बिच्छू दिखाई दे तो समझो कि आप पर कोई संकट आने वाला है। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने वाली है। पीला बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। बिच्छू एक जहरीला प्राणी है। यदि यह काट खाए तो पहले तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आप कहीं दूर गांव में हैं और डॉक्टर की पहुंच से दूर है तो प्राथमिक तौर पर घरेलू उपचार करना चाहिए। कहते हैं कि माचिस की 6-7 तीलियों का मसाला ले और इसे पानी में गीला करके पेस्ट को बिच्छू के डंक वाली जगह पर लगा दे, इससे बिच्छू का जहर उतर जाएगा। रतालू या प्याज के रस में नौशादर मिलाकर बिच्छू के डंक पर लगाने से भी विष उतर जाता है। यह भी कहते हैं कि बारीक पिसा सेंधा नमक और प्याज को मिलाकर डंक वाले स्थान पर लगाने से जहर भी कम हो जाता है। एक साफ पत्थर पर फिटकरी को अच्छी तरह से घिस ले, फिर डंक वाले स्थान पर फिटकरी के लेप को लगाए और आग से थोड़ा सेके। फुदीने का रस पीने अथवा उसके पत्ते खाने से बिच्छू के काटने से होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।